देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, फिर वही काम करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को लिखेंगे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट को लिखेंगे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना। देखो यहां पर भी क्या हुआ, ये cos इनवर्स x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और देखो यहां पर भी अंडर रूट ऑफ 2 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और देखो यहां पर भी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। अब देखो जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन, तो देखो ये प्लस वन हो जाएगा, ध्यान दो। देखो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस, देखो इसकी वैल्यू माइनस वन हो जाएगी तो ये प्लस वन हो जाएगा, देखो क्या बचेगा, वन माइनस, और देखो ये बचेगा एक्स प्लस वन, ऐसे बचेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी एक्स जीरो से कम पर, तो ये माइनस वन प्लस वन हो गया। देखो यहां पर भी कॉस इनवर्स ये एक्स प्लस वन हो जाएगा, और देखो यहां पर भी ध्यान दो अंडर रूट टू एक्स प्लस वन हो जाएगा, ठीक, और यहां पर भी देखो वन माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, देखो ये वन से वन कटेगा तो साइन इनवर्स एक्स रह जाएगा, यहां पर भी देखो ये साइन इनवर्स सॉरी माइनस एक्स, और यहां पर भी कॉस इनवर्स माइनस एक्स बचेगा, देखो यहां पर ये माइनस एक्स होगा और ये अंडर रूट ऑफ टू एक्स प्लस वन होगा। अब देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, है ना, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू वन होती है एक्स टेंडिंग टू जीरो के केस में, कितनी बार मैंने आपको ये रिजल्ट पहले भी बताया था, है ना, कि एक्स टेंडिंग टू जीरो के केस में साइन इनवर्स एक्स वाई एक्स वन होता है। अब अगर जीरो पर कंप्लीट लिमिट वन है तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी वन ही होगी, क्योंकि जीरो पर जब इस फंक्शन की कंप्लीट लिमिट वन है तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट होगा वही वन होगा, माइनस को बाहर कर दो और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, फिर देखो ये पूरा टर्म वन हो जाएगा, क्योंकि साइन वर्स माइनस इसका मतलब माइनस वन होगा, माइनस माइनस प्लस, फिर साइन वर्स एक्स अपॉन एक्स वन, एक्स को जीरो पुट करोगे देखो ये क्या बनेगा, कॉस इनवर्स जीरो और अपॉन अंडर रूट टू, और कॉस इनवर्स जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, पाई बाई टू रूट टू। देखो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि कॉस इनवर्स जीरो क्या हो जाएगा बोलो, पाई बाई टू, तो ये पाई बाई टू रूट टू मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ गई। तो देखो इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग है ना, अभी निकाला था हम लोगों ने राइट हैंड लिमिट कितनी आई थी पाई बाई टू, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है पाई बाई टू रूट टू, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग है, यानी इस फंक्शन की जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ध्यान दीजिए, है ना, क्योंकि इसकी राइट हैंड लिमिट पाई बाई टू थी और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है बोलो, पाई बाई टू रूट टू, तो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। लिखो बच्चों ध्यान से, इसको लिखो फटाफट।